तो एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की ये नई वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, जिसे BR अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, ये यूनिवर्सिटी आपकी मुजफ्फरपुर सिटी बिहार में पड़ती है। BR अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी 1960 में इस्टेब्लिश हुई थी। बात करें अगर कोर्सेज की, तो यहाँ पे फुल टाइम और पार्ट टाइम कोर्सेज ऑफर होते हैं। यहाँ से आप अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और आप रिसर्च लेवल तक के कोर्सेज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप यहाँ से डिस्टेंस एजुकेशन कोर्सेज भी कर सकते हैं। ये सारे कोर्सेज आपके UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा अप्रूव्ड कोर्सेज हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी आपकी NAAC द्वारा एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है। NAAC यानी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से लगभग 38 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस और 40 एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। इस यूनिवर्सिटी से आप वोकेशनल कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। आपके वोकेशनल कोर्सेज हैं PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, PG डिप्लोमा इन हिंदी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन योगिक स्टडीज, PG डिप्लोमा इन बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, PG डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके अलावा आपका है बैचलर इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, बैचलर इन इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, बैचलर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बैचलर इन इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, बैचलर इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बैचलर इन इंडस्ट्रियल फिश एंड फिशरीज, बैचलर इन एडवर्टाइजिंग सेल्स एंड प्रमोशन मैनेजमेंट। इसके अलावा और आपके कोर्सेज हैं PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बैचलर इन मास कम्युनिकेशन, सर्टिफिकेट इन कंप्यूटिंग, मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, 3-year डिग्री कोर्स एंड ह्यूमन राइट्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, MA इन वुमेन स्टडीज, MSc इन फिश एंड फिशरीज, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और आपका है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो वहीं ग्रेजुएशन कोर्सेज की बात करें, तो यहाँ से आप बंगाली, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथिली, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी में आप ग्रेजुएशन के कोर्सेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हैं आपके AIHC, बंगाली, भोजपुरी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथिली, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, पर्शियन, फिलॉसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू और जूलॉजी में आप पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्स कर सकते हैं। तो वहीं प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें, तो यहाँ से आप MCA, MBA, PGDCA, CIC, BLIS, HJMC, PGDCP, योगिक स्टडीज, BCA, BBA, ASPM, बायोटेक, CND, IFAF, IMB, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, BHMS, BAMS, BUMS और आप MD इन होम्योपैथी में कोर्स कर सकते हैं। तो वहीं PhD प्रोग्राम्स की अगर बात करें, तो यहाँ से आप मैथिली, जूलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट, भोजपुरी, बॉटनी, केमिस्ट्री, हिंदी, कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, होम साइंस, एजुकेशन, ज्योग्राफी, म्यूजिक, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, फिजिक्स, सोशियोलॉजी, पर्शियन, संस्कृत और साइकोलॉजी में आप PhD का कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां से BEd का कोर्स भी कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, तो अगर आप UG प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, तो आपका 12th पास होना ज़रूरी है मिनिमम 50% मार्क्स से। तो वहीं कुछ आपके प्रोग्राम्स हैं UG के जहां पे एडमिशन आपका मेरिट बेसिस पे होता है, तो वहीं कुछ आपके एडमिशन जो होते हैं वो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम बेस पे होते हैं। कुछ आपके UG प्रोग्राम्स हैं, कुछ आपके PG प्रोग्राम्स हैं, कुछ आपके PhD प्रोग्राम्स हैं जिसमें एडमिशन आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम बेसिस पे होते हैं। जैसे आपका BEd हो गया, MEd हो गया, इन पे जो आपके एडमिशन होते हैं वो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम बेस पे होते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों में, और लास्ट में हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।